अरे मैम, मेरी तो आर्टिकल शिप चल रही है। कहाँ दिन होता है, कहाँ रात होता है, समझ में ही नहीं आता। मैम, आर्टिकल शिप के साथ क्लासेस भी चल रहे हैं। कहाँ मंथ्स मंथ्स बीतते जा रहे हैं, सालों साल बीतते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम, अभी तो मेरी एग्जाम है, कुछ दिनों में एग्जाम है। मुझे तो अभी सिर्फ पढ़ाई का नहीं, एक दीवार में, चार दीवारी में कैद रहना है। बाकी किस चीज के लिए टाइम है मैम? नहीं, पढ़ाई करनी है सिर्फ। राइट गाइज, अपन एज सीए स्टूडेंट्स इसी मेंटल रट में स्टक रहते हैं। इवन आई वॉज द सेम। मैं भी वंस अपॉन अ टाइम यही सोचती थी कि अगर मैं सीए कर रही हूं तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट मैंने अज्यूम कर लिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। बट यू नो, देन वंस आई केम अक्रॉस दिस वन कोट, यू कांट बी वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ इफ यू कंटिन्यू बींग वॉट यू आर। इफ यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो आप हो ऑलरेडी, रोज रोज सेम चीजें कर रहे हो, तो एक्चुअल में जो आपको चाहिए लाइफ में, सीए डिग्री तो है ही, उसके साथ साथ कुछ रहता है ना अपने मन में कि ये करना है, वो करना है, वो नहीं मिलेगा बिकॉज आप आपके फ्लो में जा रहे हो। आई नो करंटली आपको मेंटली लगता होगा कि यार हाँ, सीए बनने के बाद कर लेंगे, सीए बनने के बाद ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। बट नो गाइज, ऐसे सीए बनने के बाद जॉब लग जाएगी, जॉब के बाद शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ। इट्स अ सर्कल, सर्कल ऑफ लाइफ गाइज। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, और एक ऐसा चेंज है जो मैंने पर्सनली अपनाया है लाइफ में, एंड दैट चेंज, दैट जस्ट चेंज द पिक्चर ऑफ माई लाइफ, एंड दैट कैन चेंज द पिक्चर ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। आपको खुद की कहानी बनानी है, आपको खुद की कहानी, यू आर गोइंग टू स्क्रिप्ट इट। तो ये स्क्रिप्ट खुद के हिसाब से लिखते हैं ना, बाय जस्ट चेंजिंग वन सिंगल थिंग, दैट इज रूटीन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ पावर ऑफ रूटीन विच विल चेंज योर लाइफ फॉर दैट मैटर। एक सिंगल हैबिट अगर डे टू डे लाइफ में भी अगर अपन चेंज कर ले तो दैट विल सर्टनली हेल्प यू। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द एंड। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वॉट आर यू वेटिंग फॉर? उतना तो टाइम है अपने पास यार, सब्सक्राइब करो, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गेट अपडेटेड एवरी टाइम आई पुट अप अ वीडियो। बिफोर मूविंग ऑन, अ क्विक शाउट आउट टू आर स्पॉन्सर्स अन अकेडमी। दे आर स्टार्टिंग विद देयर बैच आरंभ फॉर May 21 CA फाउंडेशन एस्पिरेंट्स। दिस बैच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय टॉप एजुकेटर्स। नाउ व्हाई अन अकेडमी? देर आर गोइंग टू बी लाइव इंटरैक्टिव सेशंस वेर यू कैन रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड टेक लाइव क्विजेस एज वेल। ऑल्सो यू कैन अटेंड रिविजन क्लासेस, मैराथन लेक्चर्स, all at the price of one single subscription. So I'm giving a link in the description box below. All you have to do is click on the link, select the subscription and use this code RCH10 so that you can avail maximum discount. Okay guys, जैसे मैंने बोला, मैंने एक चेंज लाया मेरे डे टू डे लाइफ में, रूटीन। गाइज अभी मुझे इतनी आदत है रूटीन की, यू कांट इमेजिन। हर एवरी सिंगल आवर ऑफ माई डे इज प्लान्ड। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई वेक अप एंड बिफोर आई मेक अ रूटीन आई कांट मूव। इतनी आदत हो चुकी है मुझे, बट बिकॉज ऑफ दैट द इफिशियंसी लेवल्स हैव जस्ट स्काई हाई। इट्स जस्ट स्काई हाई द इफिशियंसी लेवल। क्या होता है ना, अपन क्या करते हैं सी ए स्टूडेंट, क्लासेस का टाइम है, क्लासेस जाओ, आर्टिकल शिप का टाइम है, जो मैंडेटरी चीजें हैं वो तो हो जाती है, लेकिन जो इसेंशियल चीजें हैं जो छूटती जा रही है फिर वो नहीं होती है। एंड ये जो इसेंशियल चीजें हैं वो भी अपने डे टू डे लिविंग में इनकलकेट करने के लिए एक रूटीन की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपन बोलते हैं एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, लेकिन वो ही टाइम अगर सोशल मीडिया पे बिता दे अपन तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं लगता। व्हाट इफ यू शेड्यूल योर टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी? बिकॉज व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड, वॉट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स एग्जीक्यूटेड। राइट, अगर अपन ये सोचेंगे कि देख लेंगे टाइम मिला तो कर लेंगे, देन कभी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम जब मिलेगा तब फोन है ही अपने पास। सो वॉट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स मैनेज्ड। तो भले ही हाफ एन आवर डिसाइड कर लो कि ये मेरा टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग 7 to 10 का क्लास है, तो मैं 6 to 6:30 का फिजिकल एक्सरसाइज करना ही करना है। ठीक है, फिर ऑफिस गए, आर्टिकल शिप गए, फिर वापस आए शाम में, 7:30 to 8 मेरा मेडिटेशन का टाइम है तो है। राइट, फिर रात को सोने के पहले 10 मिनट बुक पढ़नी है तो पढ़नी है,
सैटरडे संडे को मुझे मेरा कुछ हॉबी है, पैशन है, जैसे राइटिंग है, म्यूजिक है, कुछ भी आपका पैशन है, तो सैटरडे संडे आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं इस चीज को टाइम देने वाली हूँ. राइट, जैसे कि गाइज आई यूज टू लव राइटिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था यार टाइम ही नहीं मिल रहा है. बट देन आई स्टार्टेड एक्चुअली एनालाइजिंग कि है टाइम, आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट प्रॉपरली. तो मैंने क्या करना चालू किया, सैटरडे संडेज को आई यूज टू राइट, आई यूज टू डू कॉन्टेंट राइटिंग. बाकी का पूरा हफ्ते भर तो ऑफकोर्स ऑफिस आर्टिकल चेक क्लासेस ये सब चलते रहते थे. अलॉन्ग विद दैट जो मैं करती थी कि एनालिसिस कि हाँ चलो मुझे सैटरडे संडे को क्या लिखना है, तो उसी हैबिट के वजह से, एक सिंगल हैबिट के वजह से गाइज आज सीए बनने के बाद भी आई एम राइटिंग दीज बुक्स. अ डे लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट, ऑडिट ऑफ अ सीए, ये पॉसिबल नहीं होता अगर मैं ये सोचती कि यार सीए बनने के बाद राइटिंग का देख लेंगे साइड बाय साइड. नो, देर आर सर्टन थिंग्स विच नीड्स टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. अभी रूटीन एक ऐसा वर्ड है यू नो जो अपन जनरली नेगेटिव टर्म में, बोर्डम के टर्म में यूज करते हैं. यार ये तो रूटीन है, ये तो रूटीन है यार, क्लासेस तो मेरा रूटीन है. बट ये जो ऐसा वाला रूटीन है जो अपन सिर्फ फ्लो में जाते हैं, दैट आई नो क्रिएट्स बोर्डम. बट द राइट रूटीन एट द राइट टाइम क्रिएट्स इनोवेशन, डिसिप्लिन. यू नो मैंने किधर पढ़ा था, किसी तो बुक में लिखा था कि ट्विटर के जो को फाउंडर है उनको भी ऐसा नहीं रहता है कि मैं डेली बेसिस पे सेम चीज करूं. बट वॉट ही हैज डन इज कि वो हर एवरी सिंगल डे ऑफ हिज वीक इज प्लान्ड इन सच अ वे कि एक दिन में बिजनेस डेवलपमेंट, मंडे को है तो बिजनेस डेवलपमेंट, ट्यूसडे को है तो टीम मीटिंग्स कुछ है, तो वेनसडे को कुछ मार्केटिंग, मतलब एवरी सिंगल डे वो अलग अलग चीजें करते हैं. बट ही इज शेड्यूलिंग एवरीथिंग, मंडे को ये करना है तो करना है. दैट इज हाउ डिसिप्लिन गेट्स इनटू पिक्चर. एंड जिस दिन डिसिप्लिन आता है तभी एक्शंस में चीजें आती है ना गाइस, ट्रस्ट मी इट वर्क्स. एवरीबडी हैज गॉट सेम सेट ऑफ 24 आवर्स, एवरी सिंगल इंडिविजुअल. कुछ लोग इसीलिए तो 2% लोग सक्सेसफुल बनते हैं, 98% ये ही क्रिप करते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है. दीज 2% दे स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दे शेड्यूल सर्टन थिंग्स विच वी इग्नोर. आई नो अपना रूटीन बहुत पैक्ड है, इसीलिए मुझे बात बोलनी पड़ रही है कि शेड्यूल करो. रूटीन पैक नहीं होता है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ करके हो जाता है, बट यू नीड टू शेड्यूल सर्टन थिंग्स, स्पेशली वी आर वेन वी आर रनिंग कॉन्स्टेंटली, वेन वी आर ऑन टेंटर हुक्स कॉन्स्टेंटली. यस गाइज, इस वजह से क्या होगा ना, आपकी पढ़ाई में, आपके ऑफिस में भी आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि आप कुछ ऐसा करते रहोगे दिन में जो आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर रहा है. कोई आपकी पैशन है, हॉबी है, तो आपको लगेगा यार देयर इज लाइफ बियॉन्ड सीए ना. फिलहाल अपन खुद ने ही खुद को एक केज में डाल के रखा है कि सीए स्टूडेंट्स अपने पास तो टाइम ही नहीं है. खुद को फिर सेल्फ पीटी, कंसोल करो, सिंपति दो कि यार हमारे पास तो किसी चीज के लिए टाइम नहीं है. लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस जब लाओगे आपके डेली रूटीन में, देन यू वॉन्ट अलाउ द 24 आवर्स ऑफ योर डे टू कंट्रोल यू. यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग एवरी मिनट ऑफ योर डे, एंड देन यू आर लाइक हैप्पी, यू आर इफिशियंट, यू आर प्रोडक्टिव. पूरा पूरा गेम चेंज हो जाता है. बिकॉज सक्सेसफुल पीपल का अगर बैकड्रॉप देखोगे आप, द ओनली रीजन लाइज इन देयर डेली रूटीन. तो गाइज एक एक दिन करके ही अपन अपने गोल्स चेज कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं. या सो अभी के अभी यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम गोइंग टू स्टॉप लिविंग बाय डिफॉल्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट लिविंग बाय अ डिजाइन. एंड एक वो ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैं हमेशा से सोच रहा था करने को लेकिन हो नहीं पा रहा था, वो चीज आप नीचे लिख डालो कमेंट सेक्शन में कि हाँ अभी के आगे कुछ भी हो जाए ये एक चीज को मैं टाइम देने ही वाला हूं. जैसे पेंटिंग है, राइटिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, जो भी है, अलॉन्ग विथ ऑफकोर्स फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ. गाइज अपन सीए की एग्जाम्स दे रहे हैं, इसमें मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है. तो 10 मिनट के लिए कुछ रीड करो, 10 मिनट के लिए कुछ टेड टॉक देखो. आई यूज टू रीड फॉर 10 मिनट्स अ डे एटलीस्ट, 10 मिनट ही निकालती थी, पर निकालती थी. आज के डेट में आई सी टेड टॉक्स, कुछ भी है, सो दैट आर मेंटल हेल्थ इज ऑन ट्रैक. फिजिकल हेल्थ के लिए तो अपन रोज खाना खा लेते हैं, बट वॉट अबाउट आर मेंटल हेल्थ?
सो स्टार्ट इंक्लूडिंग दीज इन योर डेली रूटीन. ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मैंडेटरी चीजें हैं वो करना है अपने को. स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स एज वेल, जो आपको एक सिर्फ सक्सेसफुल सीए नहीं बनाएगा, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा फॉर दैट मैटर इन लाइफ. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ. किसी भी चीज की जरूरत है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द पर्सनल काउंसलिंग सेशंस. ऑल्सो अगर आपने बुक नहीं खरीदी अभी तक, अ डे इन लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट, दैट ऑल्सो उसमें भी एक्चुअली एक डेली रूटीन के बारे में ही बताया एक सीए स्टूडेंट के. तो वो एक रूटीन, एक कैसे दिन होता है, व्हाट आर द एक्चुअल फीलिंग्स ऑफ अ सीए स्टूडेंट, सब ह्यूमरस वे में एक्सप्लेन किए गए हैं. यू विल स्माइल, यू विल लाफ, यू विल क्राई, एवरीथिंग. इट्स अ पैकेज इन वन सिंगल बुक. सो यू कैन गो एंड बाय. आई एम गिविंग द लिंक टू बाय द बुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. बाय, विश यू ऑल द बेस्ट. दिस इज मी साइनिंग आउट.